हाय एवरीवन, मेरा नाम सुशांत शर्मा, स्वागत करते हैं हमारे चैनल स्ट्रेट एक्सपर्ट में। आज मैं आपके लिए सेक्टर 5 में 342 स्क्वायर यार्ड्स में 3 BHK आपके लिए प्रॉपर्टी लेके आया हूं। जीरो वैल्यूएशन प्रॉपर्टी, नियर बाय आपको सारी मार्केट्स आपको यहाँ मिल जाएंगी, नियर बाय आपको हॉस्पिटल मिल जाएंगे, स्कूल मिल जाएंगे। ये मेन रोड प्रॉपर्टी है, यहीं पर आपको हुडा मार्केट मिल जाती है, पार्क आपको मिल जाएंगे। देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉपर्टी के होम टूर को। प्लीज कम। जहां मैं खड़ा हूं यह हमारा ड्राइंग स्पेस है। यहां पे आपको एक सैंपल, आपको छोटे से इन्होंने बता रखे कि यहां पे आप ऐसे अपना सोफा सेट लगा सकते हैं। ऊपर आप देखेंगे तो आपको LED स्ट्रिप्स मिलती हैं पर्पल कलर की, जो बहुत ही अच्छी पर्पल ब्लू एंड वाइट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पे एक बहुत ही बड़ी विंडो आपको मिल जाती है, जिसे आप जैसे चाहें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अपना सोफा लगा के आप सुबह की चाय यहाँ पी रहे हैं, बहुत अच्छा व्यू आएगा। यहाँ पे आपका दो आपको डोर मिल जाते हैं, एक आपका हैवी डोर प्लाईवुड का जो बहुत अच्छी क्वालिटी इन्होंने यूज़ कर रखी है, एक आपका नेट डोर आता है जिसमें मॉस्किटो आपके अंदर और बाहर अंदर ना आ पाए शाम को। प्लीज़ कम आकर। ये हमारी जो फ्लोरिंग है, ये सारी की सारी टाइल्स फ्लोरिंग है, जो एक बहुत ही वॉकिंग आपकी ये बालकनी है। सिक्योरिटी पर्पस में देखूँ रेलिंग को तो बहुत ही सही इन्होंने साइज पर बनाई हुई है, अगर आपके घर में छोटा बच्चा भी है तो वो आराम से यहाँ पे खड़ा हो सकता है। यहाँ पे भी आपको बालकनी मिल जाती है, यहाँ से लेकर एंड तक आपको बालकनी मिल जाती है। यहाँ पे आपको आपका टैब मिल जाता है, ऊपर आपको LED पैनल्स मिल जाते हैं। बाहर देखेंगे आपकी मेन रोड प्रॉपर्टी है, खुले दूर दूर तक आपको खुला हुआ है। यहाँ पे आपको ज़्यादा किचपिच वाले घर नहीं मिलेंगे, मेन रोड की प्रॉपर्टी है। तो आपको यहीं पे आपको यहाँ पे आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको मंदिर भी मिल जाते हैं, हॉस्पिटल भी मिल जाते हैं। ये सामने हमारी हुडा मार्केट है। यहाँ पे आइए, मैं अब आपको इस फ्लोर के रूम में लेके चलता हूँ, फर्स्ट बेडरूम में। बट ये सारी की सारी आप देख रहे होंगे फ्लोरिंग, ये सारी टाइल की फ्लोरिंग है यहाँ पे, जो बहुत अच्छी क्वालिटी की टाइल्स यूज़ कर रखी हैं। यहीं पर हमारा फर्स्ट बेडरूम है जिसमें आप एंट्री करेंगे। ऊपर की तरफ सेम पर्पल LED स्ट्रिप्स इन्होंने लगा रखी है, जो बहुत ही अच्छी लग रही है वाइट LED के साथ। क्रीम कलर का, ऑफ वाइट कलर का इन्होंने पेंट का काम कर रखा है, जो बहुत ही डिसेंट कलर है। यहाँ पे आपको दो कबर्ड मिल जाते हैं, जो बहुत ही बड़े कबर्ड हैं, जिसमें सनमाइका का यूज़ किया हुआ है, बहुत अच्छी क्वालिटी की सनमाइका यूज़ की हुई है। यहाँ पे भी आपको कबर्ड मिल जाता है, यहाँ पे आपको सेम टाइल्स मिल रही हैं, यहाँ पे भी आपको एक विंडो मिल जाती है और सेम बाहर की बालकनी आपको मिल जाती है विद दो डोर्स के साथ, जो मैंने आपको पहले बताए थे। ये भी आपकी बालकनी, वही सेम बालकनी है जो अभी हम बालकनी पे मैं आपको लेके गया था। यहाँ पे आप अपनी चेयर लगा सकते हो सुबह, यहाँ पे आप सामने देख रहे होंगे सनसेट हो रहा है, तो यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है। बेसिकली यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, सनसेट आपको दिख रहा होगा सामने, पेड़ के पीछे आपको सनसेट दिख जाएगा। आइए मैं आपको सेकेंड बेडरूम में लेके चलता हूँ। सेकेंड बेडरूम से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का वॉशरूम। इस रूम का वॉशरूम पाउडर रूम है, जो कनेक्टेड है आपका पाउडर रूम और आपका इस रूम के साथ। सारी की सारी जो फिटिंग है इन्होंने जैगवार की यूज़ कर रखे हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा मिरर इन्होंने यूज़ कर रखा है। सारी की सारी फिटिंग्स यहाँ पे आपको जैगवार की मिलेगी। ये टाइल्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती हैं, जिन्होंने टाइल्स यूज़ कर रखी हैं, एंटीस्किट टाइल्स हैं। नीचे आपको जो टाइल्स मिलती हैं सेम, अब यहाँ से मैं आपको सेकेंड बेडरूम में लेके चलता हूँ, जो बिल्कुल यहाँ से इसके साथ में है। तीनों बेडरूम बिल्कुल पास पास में बनाए हैं। यहाँ पे एंट्रेंस करते ही आपको स्लाइडिंग डोर्स पे कबर्ड मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इन्होंने यहाँ पे प्लाईवुड यूज़ की हुई है। मैंने जैसे आपको बताया कि इस जगह पे आप जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे किसी भी तरीके की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है कहीं पे भी, चाहे वो प्लाईवुड हो, चाहे वो हमारे स्विच बोर्ड हो, चाहे वो हमारा पेंट का काम हो, चाहे हमारी LED स्ट्रिप्स ही क्यों ना हो। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको इसका वॉशरूम मिल जाता है, जिसमें सारी फिटिंग जैगवार की है, एंटीस्किट टाइल्स यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं। यहाँ पे आपको एक विंडो मिल जाती है, यहाँ पे आप अपना एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते हैं। राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो आपको AC की जगह मिल जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे आपको विंडो मिल जाती है, जिसे अपना कर्टन लगा के आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी दो डोर आपको मिलते हैं, यहाँ पे आपको बैक साइड की बालकनी मिलती है, जो
बहुत ही अच्छा स्पेस इन्होंने दे रखा है बैक साइड से बिल्कुल एंड तक। यहाँ पे इन्होंने वॉकिंग पूरी बालकनी दे रखी है, यहाँ पे आपका वॉकिंग बालकनी है, ये बहुत अच्छी बालकनी है, हवा बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने वॉशिंग एरिया दे रखा है, यहाँ पे आपको टैप भी मिल जाता है, यहाँ पे हवा बहुत अच्छी लग रही है। दोनों साइड से आपको बहुत ही खुला हुआ घर मिलता है, ये बहुत ही हवादार घर है ये। आइए मैं आपको थोड़ा बेडरूम में लेके चलता हूँ, जो भी यहाँ से भी कनेक्टेड है, जिसकी बैक साइड की बालकनी उस रूम से भी कनेक्टेड है, ये है वो रूम। यहाँ पे आपको ऊपर डिज़ाइन अलग मिल जाएगा, जो आपकी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है वो अलग डिज़ाइन है, बट जो आपके फर्स्ट सेकेंड रूम में आपने देखा था ये सेम डिज़ाइन यहाँ पे आपको मिलेगा। कबर्ड में यहाँ पे आपको सेम जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इसमें कुछ सामान रखा हुआ है, वैसे ही आपको यहाँ सामान मिलता है। सेम यहाँ पे आप आएंगे तो जगुआर की सारी फिटिंग मिलती है, यहाँ पे आपको जगुआर का आपको अपना बॉडी शावर मिल जाता है, प्रॉपर बॉडी शावर आपको मिलता है ये। यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा मिरर मिल जाता है, जगुआर की सारी फिटिंग मिल जाती है। यही वो बालकनी है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, आके प्लीज़ एक बार आप दिखा दीजिए बालकनी दोबारा से। प्लीज़ कम आके। अब मैं इस घर की सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह आपको दिखाती हूँ। मेरे ना स्पेशली मेरे को घर में दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, एक तो खाने की जगह जहाँ मैं अपनी फैमिली के साथ पूरे दिन में जो बातें होती हैं वो डिस्कस करता हूँ, आगे क्या प्लान्स हैं, कहीं घूमने जाना तो डिस्कस करता हूँ, और दूसरी जिसे मैं घर का दिल बोलता हूँ जो होती है किचन। बिकॉज मैं दिल इसलिए बोलता हूँ बिकॉज मेरी मॉम वहाँ पर काम करते हैं, और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन मेरी लाइफ में मेरी मॉम है, तो इसलिए मैं हर घर के किचन को दिल बोलता हूँ। ये हमारा डाइनिंग स्पेस है, यहाँ पे आप अपनी आराम से राउंड टेबल डाल के अपनी फैमिली के साथ सारी बातें डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बहुत ही बड़ी किचन मिल जाती है, यहाँ पे आप आराम से गरम गरम रोटी आपकी टेबल पे आएगी, इतना आराम से आपको स्पेस यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे आप अपना फ्रिज रख सकते हो, बहुत अच्छा यहाँ पे स्पेस दे रखा है। यहाँ पे आपको अपना कैबिनेट्स मिल जाते हैं, ऑटो एडजस्टेबल कैबिनेट्स हैं, यहाँ पे आप जितना सामान चाहें आप यहाँ पे अपना बॉक्सेस रख सकते हैं, जितना आप सामान चाहें आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपका ओवन का स्पेस, ओटीजी का स्पेस है, सेम यहाँ पे आपको ऊपर आपको स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे स्पेस के नाम पे तो इतनी जगह है, मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको इतनी स्पेस यहाँ पे मिल रही है, मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे बहुत स्पेस मिल रहा है, सेम सारी स्पेस आपको यहाँ मिल रही है। ये स्टेनलेस स्टील आपको मिल रहा है, इसके अंदर कभी भी जंग नहीं लगता, रस्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे आप अपनी चूल्ही लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको गैस की लाइन की जगह मिल जाती है, यहाँ पे आप अपना गैस स्टोव या हॉब लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। सेम यहाँ पे भी आपको एक विंडो लग जाती है, यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट फैन लगेगा, जब आप यहाँ पे आएंगे तो वो आपको लगा सकते हैं, लगा हुआ भी मिल सकता है। यहाँ पे आपको दो सिंक मिल जाते हैं, ड्राई एंड वेट, यहाँ पे आपको अपने डिशेज साफ करके ऊपर रखने की जगह मिल जाती है, यहाँ पे आप अपना गीज़र लगा सकते हैं, ठीक है। ऊपर आप देखते हैं तो बहुत ही अच्छा इन्होंने डिज़ाइन दे रखा है, जो मुझे बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोनों साइड से पर्पल लाइट स्ट्रिप्स यहाँ पे एलईडी स्ट्रिप्स लगा रखे हैं, जो मुझे बहुत ही डिसेंट लुक लग रहा है, बहुत ही आँखों में ना ये बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से आपको आपकी बालकनी मिल जाती है, यहाँ से आपको आपकी बालकनी मिल जाती है, यहाँ पे आपको मेरे बैक साइड पे टैब मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे गीज़र की जगह मिल जाती है। अगर आप इस बालकनी को देख रहे हैं तो ये वही बालकनी है जो बैक साइड से, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे फैंस लग जाएंगे एसी के, ये वही बालकनी है जो बैक आपको बालकनी दिखाई थी। तो ये इतनी बड़ी बालकनी है, यहाँ पे आप अपनी नाइट वॉक कर सकते हो, खाना खाने के बाद आप यहाँ पे घूम सकते हो। यहाँ पे आपको एक तो सनलाइट की कभी कमी नहीं होने वाली, आपको कभी भी हवा की कमी नहीं होने वाली, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज अभी ये खाली है सारी जगह आसपास की। सो ये था इस फ्लोर का होम टूर। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें हमारी वीडियो को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आप कोई बिल्डर हैं, कोलेब्रेशन के लिए बात करना चाहते हैं तो सेम नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इस फ्लोर के लिए आप कुछ पे इंक्वायरी करना चाहते हैं तो सेम नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।